शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उसके बाद से 7 दिन के लिए आई थी, तो बाबूजी जो तिलक नगर के ना, जो सिखों के प्रेसिडेंट थे, और माताजी नारी कला केंद्र की प्रेसिडेंट थी, कर्मा माता, तो बाबूजी का मौन चल रहा था। तो बोले कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, मेरा मौन अब टूटा है 7 दिन के बाद, सोमवार से सोमवार तक का मौन था, तो अब आप अभी ना जाएं, 7 दिन हमको कोर्स कराएं, मुझे क्वेश्चन करना है आपसे। वो 7 दिन आज कितना हुआ, 1954 से जोड़ो, कै साल हो गया, कोई नहीं जोड़ पा रहा, 69 साल। और फिर उसके बाद में जो निर्मला बहन अशोक भाई की बुआ को बाबा ने कहा हरिद्वार भेजो, भाई को भेजा बनारस, और बहन, क्योंकि उस समय वो एमए पास थी, पढ़ी लिखी थी, इनको हरिद्वार भेजो, 70 साल पहले एमए पास, लड़की बहुत बड़ी पढ़ाई है, लड़का ही हाई स्कूल पढ़ ले तो बहुत पढ़ा है। तो उनको जब वहाँ भेजा तो गंगे दादी गई, पता है कि वहाँ भेजा, तो बाबा ने कहा बच्ची कमाल तो तेरी तब है कि सारे यहाँ के महंतों से पैसा कलेक्ट करो, जिसको मदोगरी कहते हैं, मदोगरी करा के दिखाओ। बाबा संतों तो लेना जानते, संत देना तो जानते नहीं है, सारी दुनिया उनको चढ़ावा चढ़ा के आती है। तो बाबा ने कहा उनको ये बोलो कि जब जब तुमने संन्यास लिया है, हम माताओं ने तुम्हारी मदद की है, अगर माताएं मदद न करें तो गुरु भूख मर जाए। माताओं ने भारत को स्वर्ग बनाने के लिए मदद की है, सन्यासियों ने तो कहा नारी नरक का द्वार है। अब परमात्मा पर का द्वार खोलने के लिए खड़े हैं, सन्यास लिया है, तो आप हमको मदद नहीं करेंगे? कोई नहीं बचा होगा जिसने उस जमाने में दादी को अपने उसे पैसा अपने पिए से नहीं दिलाया होगा। ये काम किया।